Hello, students. Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. And welcome back to our English class. As you know, students, that we have completed our explanation portion and also reading one, reading two, and vocabulary from the chapter Lob's Girl Unit 6. Right? So, today we would be moving ahead with the grammar portion so i request you all students to open your textbook that is new pathways page number 137 and today we would be studying the portion of grammar and the topic over here is the past continuous tense now let's first understand what is past continuous tense past continuous tense means the actions which were going on in past Right, continuous ka matlab hota hai, jo chal rahi hai, wo. And when it was going on, it was going on in the past. Right, so we are going to learn about that. So, we'll see over here the some sentences given over here. Read the sentences given below. Sandy had been taken and twins were crying bitterly. She and Lob were hugging one another in a frenzy of joy dr and mrs travers went to pengali cottage to inquire how sandy was doing and dr travers was able to stop bleeding but the girl was lying in queerly crumpled heap so here if you notice students that they are talking about two actions right if you see the first sentence उसमें पहला सेंटेंस है शी सैंडी हैड बीन टेकन दैट इज़ अगेन अ परफेक्ट टेंस लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो क्राइंग बेटरली दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शी एंड लॉब व हगिंग वन अनदर इन फ्रेंजी ऑफ जॉय सो दैट इज ओनली एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट राइट तो ये सिर्फ एक ही एक्शन के बारे में बात हो रही है और वो भी जो पास्ट में हो रही थी वो डॉक्टर एंड मिसेज ट्रैवल्स वेंट टू पनगैली क्वाटेज टू इंक्वायर हाउ सैंडी वॉज डूइंग सो यहाँ पे दोनों ही एक्शन पास्ट में हुई है राइट right? लेकिन एक एक्शन पास्ट में हुई और उसी वक्त जो दूसरी एक्शन हुई थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है एंड फोर्थ सेंटेंस डॉक्टर ट्रैवल्स वॉज एबल टू स्टॉप ब्लीडिंग बट द गर्ल वॉज लाइंग इन क्यूरली क्रम्पल्ड हीप सो योर ऑल्सो अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस ओके सो वी वुड बी लर्निंग हाउ टू सॉरी वेन टू यूज़ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और बाद में हम ये भी देखेंगे हम पास्ट कंटीन्यूस टेंस कैसे यूज़ करते हैं राइट सो वेन आर वी गोइंग टू यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस द फर्स्ट वन इज़ टू पुट एम्फसिस ऑन द कंटीन्यूएशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट दैट मीन्स कि कोई एक्शन जो पास्ट में चल रही थी वो दिखाने के लिए या उस चीज़ के ऊपर प्रेशर डालने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं ओके सो योर शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन ऑल इवनिंग सो वॉट वॉज शी डूइंग ऑल इवनिंग शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन ऑल इवनिंग सो यहाँ पे ये जो एक्शन है वॉज टॉकिंग उसके ऊपर एम्फोसिस डालने के लिए उन्होंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया है ठीक है सेकेंड वन डिनोट टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट दैट मीन्स इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट टू पैरल एक्शंस मतलब दो एक्शंस जो एक साथ हो रही है एक ही जगह पर हो रही है एंड दैट इज इन पास्ट फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन वो वॉचिंग टेलीविजन वाइल द फादर वॉज कुकिंग डिना सो so, ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है वॉचिंग टेलीविज़न वॉर वॉचिंग टेलीविज़न एंड वॉज कुकिंग डिनर सो ये दोनों एक्शंस पास्ट में साथ में ही हो रही थी बच्चे टीवी देख रहे थे और फादर कुक कर रहे थे राइट फॉर एग्जांपल यू कैन से माय ब्रदर वाज रोलिंग आउट चपातीज़ एंड आई वाज ब्राउनिंग दैम ऑन द स्टोव राइट सो एक जगह पर मेरा भाई चपाती रोल कर रहा था और दूसरा दूसरी जगह पर आई वॉज़ heating it on the stove browning matlab heating karna stove ke upar. so these are the two activities which were going together in the past. Okay and to show an action going on at a certain time in the past and we also use past continuous tense when that action is going on at certain time in the past. For example, right now you are watching the video of English. माइट बी यस्टरडे यू वर वॉचिंग द वीडियो फॉर संस्कृत और साइंस और मैथ्स और एसिस राइट तो इसी टाइम पर आप यस्टरडे क्या कर रहे थे वो बताने के लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हो राइट ही टोल्ड द कोर्ट दैट ही वॉज विजिटिंग रिलेटिव ऑन द इवनिंग ऑफ क्राइम सो जब कहीं और पर क्राइम हो रहा था उस टाइम पर वो कहाँ था ही वॉज विजिटिंग द रिलेटिव ऑन दैट यूनिंग द आर्मी हैड टेकन कंट्रोल एंड वॉज गार्डिंग द्रैश शाइट सो आई होप दैट यू आर क्लियर कि हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करना है राइट सो स्टूडेंट योर दैट इज अबाउट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस विच इज इन योर ग्रामर टेक्सट बुक आपका जो ग्रामर का टेक्सट बुक है एडवेंचर्स विद ग्रामर एंड कंपोजिशन इन दैट चैप्टर नंबर इलेवन कंटिन्यूस टेंसेज है उसमें भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में है सो जस्ट फॉर अ रेफरेंस आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस पोर्शन कि उसमें भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से सिटुएशन में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करता है जैसे कि पहला है टू टॉक अबाउट एन इनकम्प्लीट एक्शन दैट कंटिन्यू टू टेक प्लेस बिफोर एंड आफ्टर एन इवेंट ऑफ टाइम इन द पास्ट जैसे कि अगर आप सैंडी वाला एग्जाम्पल देखते हो टेक्सट बुक में जो पहला दिया हुआ है राइट या फिर यस दैट वन ओनली सैंडी हैड बीन टेकन एंड द ट्विन्स व क्राइंग बिटरली देट मीन्स यू सी कि जो ट्विन्स है वो कंटिन्यूसली रो ही रहे हैं जबकि सैंडी उधर से चली गई थी राइट वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आई वॉज वॉकिंग डाउन दिस रोड

We also talk about incomplete action that was interrupted by another event. For example, he was eating a peach when the post arrived. Right? So, one action was going on, and at that time, another thing happened. Jiski se pehli wali action complete nahi hopai. Okay. They were playing when their mother called them. So, here the mother called them is another action that happened in past. और जो कंटिन्यू चल रहा था उस वक्त वो क्या था दे वर प्लेइंग और वो कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि दूसरी वाली एक्शन उसी वक्त हुई और तीसरा जो पॉइंट है देव टू टॉक अबाउट द पैरल एक्शंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर कोर्स बुक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर ही आ जाता है वो सो आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि ये तीन जो है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कोर्स बुक में उसके अलावा ये दो सिचुएशन भी आती है जहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं ठीक है एक है जिसके अंदर दो एक्शंस की बात हो रही है और एक उस वक्त कंटिन्यू हो रही थी जब दूसरी हुई फिर दूसरा है कि व्हेन वन एक्शन वॉज गोइंग ऑन दैट वॉज नॉट कम्प्लीटेड बिकॉज सेकेंड वन हैपन फिर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसके लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर दो एक्शंस एक साथ पैरेलली हो रही है एक ही टाइम पे एक ही जगह पे दो एक्शंस कैरी आउट होती है राइट एंड वी आल्सो यूज पास कंटीन्यूअस टेंस स्पेसिफिकली फॉर द एक्शंस विच हैव हैपन्ड एट सर्टन टाइम इन द पास्ट ओके नाउ लेट सी द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस सो वेन वी टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस पास्ट में है तो हमें उसके अंदर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगा वॉज और व ठीक है वॉज़ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर नाउंस के लिए और वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग प्लूरल नाउंस के लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है वो है यू जिसके लिए हमें वर्ड यूज़ करना है वेदर द यू इज़ सिंगुलर और प्लूरल वी आर गोइंग टू यूज़ वर्ड ठीक है और वॉज हम कब यूज़ करेंगे जब हमारा वर्ब सॉरी जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है एट दैट टाइम एंड कंटिन्यूस टेंस है मतलब हमारा जो वर्ब होगा वो आई फॉर्म में होगा कौन से वाले फॉर्म में होगा हमारा वर्ब आई फॉर्म में ओके सो द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस वुड बी वॉज और वर प्लस वर्ब आई एन जी ठीक है तो ये हमारा जो वर्ब आई एन जी है वो क्या कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल ठीक है उसको हम क्या कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स द वर्ब हैविंग आई एन जी एट द एंड आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल और बी का फॉर्म है जो है वाज और वर हमने आगे टेंसिस पढ़े हैं सिंपल वाले सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर एट दैट टाइम आल्सो वी स्टडीड कि वी आर यूजिंग वाज एंड वर वो बी के फॉर्म होते हैं एंड वी यूज इट एज हेल्पिंग वर्ब्स कहीं कहीं पे मेन वर्ब का काम का का करते हैं और कहीं पे Uh, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो जब हम कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस उसके अंदर वॉज ऑर वर्ड लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है वो आपको नोट देखना पड़ेगा और उसके बाद जो वर्ब होगा वो होगा हमारा आई वाला फॉर्म ठीक है सो योर कंटिन्यूस टेंस एज़ द फॉलोइंग फॉर्म जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बी दैट इज वॉज और वर प्लस प्रजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब ओके वेन द पास्ट कंटिन्यूस डिनोट्स टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम ऑफन वर्ड्स लाइक वाइल और वैन आर यूज टू शो आउट शो वन ऑफ द टू एक्शंस मतलब जब दो एक्शंस की बात होती है पास कंटिन्यूस में तो एक एक्शन को दिखाने के लिए वाइल या वैन यूज किया जाता है ताकि डिनोट कर पाए कि देर वार टू एक्शन्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल when i went to see him he was sleeping the child accidentally broke a vase while the mother was talking to the shop assistant so here also there are two actions right a few students were smiling when the principal was talking to the class so again there were two things students were smiling and principal was talking so in the same way you have to use the words, word prompts given below and make sentences using when and why. So, here there are two actions given over here. Okay. Thief run and dog catch. Walk on the road and see an accident. Come back from school and rain and come down and slip. So, these are the actions. There are two actions which are happening in the past. You have to use when or while between them. And form a sentence so students here are the answers uh, over here well let's see the first one when the thief was running away the dog caught him or you can write the dog caught the thief while he was running away so there are two ways to write it clicks up right कि यहाँ पे पहले लिखा है वैन द थीफ वॉज रनिंग द डॉग कॉट हिम राइट और फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि द डॉग कॉट द थीफ वाइल ही वॉज रनिंग अवे लेट सी द सेकेंड वन वॉक ऑन द रोड एंड सी एन एक्सीडेंट सो यू यर यू कैन राइट वैन आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ एन एक्सीडेंट सो देर आर टू थिंग्स वन इज़ वैन आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड एंड द सेकेंड थिंग इज आई सॉ एन एक्सीडेंट थर्ड वन when i came back from school it was raining so this is again two actions and the last one is i slipped while coming down the stairs so again two actions happened over here now you can form it in another way but make sure you are grammatically right okay now let's see the next topic that is prepositions so students i hope that you know what are prepositions

फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रामा इज़ इन मोहैव डेजर्ट सो योर इन क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया राइट right? और उसका ऑब्जेक्ट क्या है प्रपोजिशन का मोहैव डेजर्ट मतलब ग्रामा कहाँ पर है मोहैव डेजर्ट के अंदर राइट right? तो यहाँ पे जो दो नाउन्ट ग्रामा एंड मोहैव डेजर्ट उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो दिखाया है फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दुक ट बुक इज कैप्ट ऑन द टेबल सो योर द प्रपोजिशन ऑन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑफ दैम वॉट इज दैट द बुक एंड द टेबल वो दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखा रहा है कि वो दोनों किस तरह से रिलेट करते हैं तो हमने क्या क्या समझ में आता है वहाँ पे कि बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है सो योर द वर्ड ऑन वुड बी प्रपोजिशन In the same way, over here they have given an account of a UFO sighting in India, and you have to fill in the blanks with correct words given in the box. Some prepositions may be used more than once. Obviously, this paragraph kafi very long, and so you can use one preposition more than one time. So, let's see the answers over here. Okay, let's see the paragraph which is given over here it was on august 23rd, 19, 23 1923 1971 at 11 a.m something strange began to happen in the small town of the belmes de la moraleda in spain inside the modest home of maria gomes pereira a stain was noticed in the kitchen, on the floor, on the stove. Several weeks later, the stain transformed into the image of a face. Maria and her family dug out the place and laid new cement in its place. This made matters worse. Soon there were more faces. And they evolved into the images of entire bodies. These faces looked gruesome with hollow eyes and no eyeballs. An interesting fact about the home, were, home where the faces started to appear is that it is built on what was once the site of multiple graveyards. सो योर स्टूडेंट्स यूनिक टू नोटिस द वर्ड्स विच आर रिटन इन बोल्ड आर द प्रपोजिशंस और वो यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू द नाउन्स और बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है उसके हिसाब से सेट किया हुआ है एंड दे हैव रिटर्न द प्रपोजिशंस सो यू ऑल्सो हैव टू नोट इट डाउन इन योर टेक्सट बुक द न्यूज स्प्रेड एंड क्यूरियस विजिटर्स फ्रॉम फार Walked to Maria Gomes' house. The mayor sent the officers working with him to the house. Tests were done on the samples of the cement taken. Strangely, the faces were appearing under the cement rather than on it. This was the most important paranormal happening.

सो पैराॉर्मल मीन्स द एक्टिविटीज विच अ नॉर्मल पर्सन डजेंट एक्सपीरियंस और यू कैन से डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन राइट बिकॉज ये जो हो रहा था डैट वॉज बिकॉज द हाउस वॉज बिल्ड ऑन द ग्रेव यार्ड वहाँ पर ग्रेव यार्ड था पहले इस वजह से वो फेसिस और पूरी की बॉडी बॉडी इमर्ज हो रही थी ओके सो आई होप डैट यू आर क्लियर विद इट नाउ लेट्स मूव ऑन अगेन बैक टू अवर टेक्सट बुक सो प्रपोजिशंस आर यूजअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन ऑफ प्रोनाउन टू शो हाउ दैट पर्टिक्युलर नाउन ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटेड टू अनादर नाउन ऑफ प्रोनाउन इन द सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन बताया प्रपोजिशन का कि वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन दैट इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन ऑफ प्रोनाउन एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस नाउ इट्स नॉट नेसेसरी के दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा ही होगा इट्स नॉट नेसेसरी कभी कभी नहीं भी होता है राइट सो इट्स इट्स अबाउट द नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशनशिप एक सेंटेंस के अंदर नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ओवर हियर द मेयर सेंट द ऑफिसर्स वर्किंग अंडर हिम टू द हाउस सो द प्रपोजिशन अंडर शोज द रिलेशन बिटवीन द मेयर एंड द ऑफिसर्स राइट वर्किंग अंडर हिम मतलब मेयर के नीचे मेयर के अंडर जो काम कर रहे थे वो लोग सो यहाँ पर रिलेशनशिप किसके बीच में बता रहा है दो नाउंस के बीच में जो है मेयर एंड ऑफिसर्स इट वॉज ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी थ्री नाइनटीन सेवेंटी वन एट इलेवन ए ए एम समथिंग्स ट्रेंज बिगैन टू हैपन द प्रपोजिशन ऑन शोज द रिलेशनशिप बिट्वीन द अपीयरेंस ऑफ फेसेस and the date while at shows the relationship with time so यहाँ पर ये जो दो है ठीक है एक है on जो date के साथ relate करता है और एक है at जो time के साथ relate करता है right so those are also prepositions and the third one is the news spread and curious visitors from far walked towards टूवर्ड्स मारिया गाउस द प्रपोजिशन टू वर्ड्स शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द विज़िटर्स एंड द हाउस यहाँ पे टूवर्ड्स जो है वो किसके बीच में दिखा रहा है रिलेशनशिप विजिटर्स एंड द हाउस नाउ इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हमने जो लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था आई थिंक इट वॉज Well, I was mistaken. You haven't studied prepositions before. So, my mistake. You didn't study that. But, yes, and prepositions, I already gave you the definition. Beside that, the prepositions can be divided into three categories, right? It can tell about place, time, and movement or possession. So, if in five minutes, at five o'clock, ऑन my बर्थडे by tomorrow बिफोर सनराइज़ सो ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है टाइम दिखाता है अगर जगह के बारे में बात हो रही है जैसे कि above द क्लाउड्स along द रोड अमोंग द crowds, inside the केस नियर द heart, by अ ट्री ये क्या दिखाता है जगह दिखाता है मतलब जो प्रपोजिशन है उसके बाद जो जगह है उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है च डिस्क्राइब्स अ प्लेस राइट या फिर जो ऊपर हमने देखा जो पहले मैंने आपको बोला अबाउट टाइम कि इन फाइव मिनट्स सो आफ्टर द प्रपोजिशन द ऑब्जेक्ट और यू कैन से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ़ द वर्ब वट एवर इट इज़ वो क्या दिखाता है टाइम दिखाता है वैसे ही मोमेंट होता है या फिर डरेक्शन होता है जैसे कि हमने पढ़ा टूवर्ड्स द दे वॉक टूवर्ड्स मारिया गोम्स हाउस सो योर इट शोज द डिरेक्शन राइट क्या दिखा रहा था डिरेक्शन दिखा रहा है कि वेर इट वॉज गोइंग या फिर अगर ऐसा लिखा है इन टू द रिवर थ्रू द विंडो अक्रॉस द रिवर सो ये सारे वर्ड्स क्या डिस्क्राइब करते हैं इट शोज द मोमेंट इट शोज मोमेंट कि कोई चीज़ जो नाउन है वो मूव कर रही है राइट right. तो वो हम प्रपोजिशन ऑफ मोवमेंट बोलते हैं या प्रपोजिशन ऑफ डिरेक्शन बोलते हैं राइट अगर टाइम के बाद है तो हम बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड इफ इट इज़ आफ्टर द प्लेस देन यू कैन से द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ओके सो लेट्स सी द एक्सरसाइज यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो तीन कॉमन कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं टाइम लोकेशन एंड डायरेक्शन लोकेशन का मतलब होता है प्लेस राइट सो लेट्स सी द वंस अगेन एंड लेट्स सी विच सेंटेंस बिलोंग्स टू विच ऑफ द थ्री कैटेगरी सो so, पहला सेंटेंस है द मेयर सेंट द ऑफिसर्स वर्किंग अंडर हैम टू द हाउस सो यर वॉट डू यू थिंक द वर्ड अंडर डिस्क्राइब्स द वर्ड अंडर डिस्क्राइब्स डिरेक्शन ओके सो यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन कौन सा वाला है इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिरेक्शन एंड सेकेंड वन इट वॉज ऑन ऑगस्ट ट्वेंटी थ्री 1971 at 11 a.m. so सो यहाँ पे हमारे prepositions कौन से है ऑन एंड एट और वो क्या दिखाता है टाइम दिखाता है सो so, यहाँ पे ये जो preposition है वो कहाँ आएगा कौन सी कैटेगरी में आएगा टाइम की कैटेगरी में आएगा एंड द लास्ट वन द spread स्प्रेड एंड क्यूरियस विजिटर्स फ्रॉम फार वॉकड Maria मारिया house सो so, यहाँ पे जो हमारा preposition है what डज़ इट शोज

राइट right, थ्रू आएगा एंड हॉपिंग इन टू अ वेटिंग कार यहाँ पे दोनों ही वर्ब्स कौन से है मूवमेंट सजेस्ट करते हैं सॉरी दोनों ही प्रेपोजिशन मूवमेंट सजेस्ट करते हैं राइट right? कि द थीफ एस्केप्ड बाय जंपिंग थ्रू अ विंडो मतलब वहाँ से वो विंडो के थ्रू कूद गया एंड हॉपिंग इन टू अ वेटिंग कार दैट मीन्स ही जस्ट गॉट इनसाइड द वेटिंग कार alice couldn't be couldn't get in through the tiny door again yahan through and so she had to jump over the fence okay she had to jump over the fence third one he drove dash the milestone without stopping he drove past Yahape pe apka प्रपोजिशन आएगा वो होगा पास्ट मतलब उसको पास्ट कर दिया ओके द ड्रो उसको मतलब क्रॉस कर दिया ही ड्रो पास्ट द माइल स्टोन विदाउट स्टॉपिंग एंड ड्रो ऑफ द रोड्स इन टू द फील्ड्स ओके सो यहाँ पे आएगा पास्ट और यहाँ आएगा ऑफ द नेक्स्ट वन द स्कूल इज डैश अ क्राउडड स्ट्रीट Dash a residential colony. So a school is beside a crowded street near a residential colony. And the last one, Alia ran down the corridor and up the stairs. To the second floor. So these are the prepositions which are being used in this sentences. I would be sending you the PDF for all the question answers and exercises. you just have to write your reading 1, 2 and meanings in your notebook and rest of the exercises has to be conducted in your textbook itself okay? we'll just read the life skills which hai emotional skills managing your emotions when lob runs away repeatedly to sandy mr dodsworth arrive at a decision of letting him stay with sandy why did he let lob be with them do you do you think this was difficult for him well now this is about managing your emotions that means सी हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है राइट इट्स नॉट नेसेसरी कि वॉट एवर वी एक्सपेक्ट वी गेट दैट समटाइम्स वी एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम अ पर्सन एंड देन वेन दैट थिंग डजेंट हैपन इट हर्ट्स यू अ लॉट इन द सेम वे यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है जहाँ पे आप आपको खुद के सजेशंस लिखने हैं कि जैसे कि लॉप वट वॉज लॉप डूइंग ही वॉज रनिंग अवे टू सेंडी अगेन एंड अगैन सो जो मिस्टर डॉट्सवर्थ है उसने डिसीजन लिया कि ही शुड बी गिविंग अवे लॉब एज अ गिफ्ट टू पेनगेलीज राइट सो वाई डिड ही डू दैट वॉट डू यू थिंक वाई डिड ही डू दैट बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट द लॉब वॉज हैप्पी विथ सैंडी राइट सो उसने लॉब की इमोशंस समझे यहाँ पे दैट ही वॉज हैप्पी विथ सैंडी एंड दैट्स द रीजन ही अलाउड लॉब टू गो अवे राइट इट वॉज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू लेट गो लॉब राइट उसका इमो उसके जो इमोशन्स थे वो उसको उसको काफ़ी हर्ट हुआ जब वो लॉब चला जाता था बट जस्ट टू मेक श्योर दैट लॉब इज़ हैप्पी ही जस्ट लेट गो हेम फ्राम फ्रॉम हेम राइट उस वो उसके पास नहीं रुकना चाहता था सो ही जस्ट अलाउड लॉब टू गो अवे बट फ्रॉम इनसाइड ही वॉज़ क्वाइट हर्ट जो डॉट्सवर्ड थे मिस्टर डॉट्सवर्ट जो uh, उसके एक्चुअल ओनर थे उसको काफ़ी हॉट हुआ था ये चीज़ बट स्टिल ही अलाउड लॉब टू गो अवे बिकॉज लॉब वॉज हैप्पी विथ सेंडी ओके सो ऑफन पीपल एक्सपीरियंस डिफिकल्ट इमोशंस वेन एक्सपीरियंसिंग सपरेशन फ्रॉम अ पेट सेंडी एंड लॉब टू डेवलप एन इंटेंस फ्रेंडशिप द टर्न्स इंटू एन इनसेपरेबल बॉन्ड हाउ डू यू थिंक सेंडी वुल रिएक्ट वेन शी फाउंड आउट द थ्रूथ अबाउट लॉब you may notice that lob had all the qualities of a true friend if you were to advise sandy what would be the two suggestions you would give her to help her cope with her grief so most of the time it happens right abhi maan lo aapke paas koi non living cheez hai apki, right Jase ki aapke kuch toys hota hai, jo aapko lagta hai. so if you have feeling and emotions for non living thing तो मानो अगर आपके पास पेट हो या फिर सडनली आपसे वो अलग हो जाए राइट right? तो आप कैसा फील करोगे सो इन द सेम वे यहाँ पे जब सैंडी को पता चलेगा कि लॉब इज़ नो मोर ही डाइड राइट इन दैट एक्सीडेंट सो हाउ वुड शी कोप अप विद दैट ग्रीफ और विद दैट सैडनेस यू कैन सजेस्ट एनी टू सजेशंस और एडवाइस विच यू वुड गिव टू सैंडी सो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन योर ओन ओपिनियन यहाँ पर आपको खुद का ओपिनियन लिखना है मेरा ओपिनियन का कोई फ़ायदा नहीं है यू जस्ट हैव टू राइट योर ओन ओपिनियन और जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी आपको आपके हिसाब से आंसर लिखना है सो राइट बोथ द आंसर्स बाई योर सेल्फ इट्स जस्ट योर ओपिनियन सो आई होप दैट यू वुड कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन योर टेक्सट बुक and by and with this we are done with our section one that is lob's curl we would be starting the new chapter in the next video take care and see you soon